कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोस्तवि कर्मणि। अनमोल वस्तुएं उन्हीं को मिलती हैं जो उसके सुपात्र हों। अमर वही हो सकते हैं जो शांति प्रिय हों, जिनके ऊंचे आदर्श हों, जो परहित के लिए जीवन जीते हों। किंतु जिनके मन में द्वेष और घृणा हो, जो युद्ध और हिंसा के प्रचारक हों, वे केवल दंड के पात्र होते हैं। इसीलिए श्री विष्णु ने देवताओं को अमृत दिया और स्वर्भानु को दंड, जिसने छल करके अमृत पी लिया था। श्री विष्णु ने स्वर्भानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। स्वर्भानु का सिर राहु और धड़ केतु बनकर आज भी नक्षत्र लोक में विद्यमान है, और चूंकि चंद्रमा ने उसका भेद खोला था, इसलिए आज भी राहु और केतु की चंद्रमा से शत्रुता है। परंतु क्या सागर मंथन के उपरांत सत्य और असत्य की लड़ाई का अंत हो गया? मुझे तो लगता है कि न केवल ये युद्ध जारी है, बल्कि इस युद्ध में एक नया मोड़ आने वाला है। मूर्खों, नारी तुम्हारी दुर्बलता है, और जो सुंदरता पर मोहित होकर अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, वे जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तुमने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अब तुम देवताओं का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, वो अमर हो चुके हैं। अमर ठहर जाइए। कौन है आप लोग? हम ब्रह्मपुत्र सनकादिक ऋषि हैं। मेरा नाम सत है, यह है सनंदन, सनत और शौनक। अपने आने का उद्देश्य बताइए। प्रभु के द्वार पर आने का उद्देश्य प्रभु के दर्शन की इच्छा के अतिरिक्त और क्या हो सकता है द्वारपालो? आप अभी उनसे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते द्वारपालो? प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं। कैसी बातें करते हो द्वारपाल? ईश्वर और विश्राम, ईश्वर कभी विश्राम नहीं करते। यदि ईश्वर विश्राम करने लगे तो सृष्टि का सारा काम का ठप हो जाएगा। तुम हमें जाने दो। विचित्र प्राणी हैं आप। एक बार आपसे कह दिया कि आप अभी उनसे नहीं मिल सकते, तो आप लौट क्यों नहीं जाते? हे द्वारपालो, हम तुमसे विनती करते हैं कि हमें अपने लक्ष्मी नारायण के दर्शन के लिए भीतर जाने दो। हम बहुत दूर से उनके दर्शन को आए हैं। एक बार कह दिया कि अभी आप उनके पास नहीं जा सकते, तो फिर हट क्यों कर रहे हैं?
हे द्वारपालो, पथ का विमान अच्छा नहीं होता, चाहे वो पथ कितना भी ऊंचा हो। तुम तो एक द्वारपाल का छोटा सा पथ पाकर इतराने लगे। तुमने अपने अभिमान में आकर हमारी राह रोकी, हमें अपने प्रभु से मिलने नहीं दिया, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। हम तुम्हें शाप देते हैं, जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। हे ऋषिगण, विष्णु लोक में आपका स्वागत है। हे प्रभु, इन ऋषियों ने हमें श्राप दे दिया। हम तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे प्रभु। कर्तव्य पालन? कर्तव्य पालन का अर्थ ये तो नहीं कि आप मेरे और मेरे भक्तों के बीच दीवार बन जाएं? आप दोनों से घोर अपराध हुआ है और इस अपराध का दंड तो मिलना ही था। हे जय, हे विजय, जिस प्रकार वृक्ष और उसकी जड़ का नाता कोई नहीं तोड़ सकता, उसी प्रकार मेरे और मेरे दर्शनाभिलाषी के बीच कोई नहीं आ सकता। मेरे दर्शनार्थी मेरी संपत्ति है जय, और स्वयं मैं उनकी संपत्ति हूं। हम दोनों का एक दूजे पर समान अधिकार है। जब भी कोई ईश्वर और भक्त के बीच आने का प्रयास करेगा, किसी न किसी रूप में अवश्य दंड पाएगा। हे ऋषिगण, आपको विष्णु लोक में जो कष्ट हुआ, उसके लिए मैं स्वयं आपसे क्षमा मांगता हूं। हम धन्य हो गए प्रभु, आपके दर्शन हुए, हमारा जीवन सफल हो गया। हमारे जीवन का तो एक ही उद्देश्य है, आपकी आराधना और उपासना। आपको देखा तो हमारी नेत्रों की तृप्ति हो गई। प्रभु, उनसे कहिए कि मैं क्षमा कर दें। हे सर्वेश्वर, हमें इनके शाप से मुक्ति दिलाइए। नहीं विजय, ये नहीं हो सकता। ऋषि का शाप धनुष से निकला हुआ बाण होता है, उसे न रोका जा सकता है और ना ही वो लौट सकता है। हे ऋषिगण, मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि आप इन दोनों को अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए। इन मूर्खों से जो भूल हुई है, उसके लिए वो दंड के पात्र तो हैं, पर इन्हें ये तो बताइए कि इन्हें ये दंड कब तक भोगना होगा। क्या आपके श्राप से मुक्ति पाने का कोई मार्ग नहीं है? हाँ है, हे सर्वेश्वर, हमारे श्राप से मुक्ति पाने का एक ही मार्ग है। आपके द्वारपाल जय और विजय को हमारे श्राप के कारण 3 बार राक्षस योनि में जन्म लेना होगा और 3 बार आपसे वैर करना होगा, और वो 3 जन्मों में आपके हाथों मृत्यु प्राप्त करनी होगी। पहले जन्म में जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनकर जन्मेंगे और आपके हाथों मर जाएंगे। जय और विजय कुंभकर्ण और रावण के रूप में आएंगे और आपके राम अवतार द्वारा मृत्यु लोक में भेजे जाएंगे। तीसरे जन्म में ये दोनों कंस और शिशुपाल बनकर आएंगे और श्री कृष्ण के हाथों मरेंगे। बस इसके उपरांत इनकी मुक्ति हो जाएगी। हे सर्वेश्वर, आपकी जय हो। जय हो। हे त्रिलोकीनाथ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे ऋषिगण, आपका श्राप हमारे सिर माथे पर। हम आपका श्राप सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं और मुक्ति मार्ग की खोज में निकलते हैं। मैं मां हूं, धरती मां। संकादिक ऋषियों के शाप ने जय और विजय को विष्णु लोक छोड़ने पर विवश कर दिया। उन्हें यह शाप केवल इसलिए मिला कि उन्हें अपने पद पर अभिमान हो गया था। वे समझने लगे थे कि श्री विष्णु के द्वारपाल जैसा पद पाकर वे अब ऋषियों और देवताओं से भी अधिक महान हो गए हैं। अपने पद पर अभिमान करना
और पद का अनुचित प्रयोग करना हर युग में दंड के योग्य अपराध रहेगा। संकादिक ऋषियों का शाप पहली बार उस समय रंग लाया जब जय ने कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के गर्भ से असुरराज हिरण्याक्ष और विजय ने उसके अनुज हिरण्यक्षिपु के रूप में जन्म लिया। ये दोनों भाई बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली, बहुत घमंडी, बहुत क्रोधी और क्रूर थे, पर एक दूसरे पर निछावर थे। मैं देख रहा था कि मेरा भ्राता कितना बलवान है। मुझे तुम पे गर्व है हिरण्यकश्यपु। तुम केवल मेरे भ्राता ही नहीं, मेरा दाहिना हाथ भी हो। भ्राता श्री, मैं जो भी हूं आप ही के कारण हूं। मेरे मन में आपके लिए आदर ही आदर, स्नेह ही स्नेह है। भ्राता श्री, हम दोनों मिलकर तीनों लोकों को जीत सकते हैं। तुम कहते हो तो मैं तुम्हें तीनों लोक जीत कर दिखा दूं हिरण्यकश्यपु। मैं मां हूं, धरती मां। हिरण्याक्ष ने तीनों लोग जीतने की धुन में संसार में आतंक का ऐसा बवंडर उठाया कि मानवता कराह उठी। वो बहुत अत्याचारी और निर्दयी राजा सिद्ध हुआ। उसके युग में विनाश और आतंक ने ऐसा नंगा नाच नाचा कि संस्कृति और सभ्यता ने लजाकर आंखें झुका ली। उसने जीवन की हर मधुरता को, हर सुंदरता को ऐसी निर्दयता से कुचला कि मैं घबरा गई। चारों ओर आग ही आग, रक्त ही रक्त दिखाई दे रहा था। वो निर्दयी मेरी ओर बढ़ा, मेरे तो प्राण सूख गए। शायद हर सत्ता के लोभी की भांति वो सबसे पहले मुझे प्राप्त करना चाहता था। मैं उसके भय से भागी, पर उसने मुझे पकड़ लिया। उसने मेरा अपहरण किया, मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध पाताल में ले गया। कोई राह न देखकर
मुझ दुखियारी ने अपने स्वामी अपने नाथ श्री विष्णु की स्तुति की, उन्हें रोकर पुकारा, और विष्णु तो हर दुखियारे मन की करुण पुकार सुनते हैं। मेरी पुकार सुनी, वे समझ गए कि यदि मुझे कुछ हो गया तो मानव बेघर हो जाएगा, मानवता का मंदिर गिर जाएगा। सो वो आए, वहां भी आए जहां केवल कीचड़ था, गंदगी थी। ऐसी जगह पर आने और मुझे बचाने के लिए उन्होंने वारहा जैसा रूप लेना भी स्वीकार कर लिया। यह उनका तीसरा अवतार था जिसे इतिहास वारहा अवतार के नाम से जानता है। वे आए और उन्होंने मुझ अबला को असुर राज हिरण्याक्ष के पंजे से छुड़ा लिया और मानवता को बचाने, मानव का कल्याण करने के लिए हिरण्याक्ष का वध भी कर दिया। परंतु हिरण्याक्ष का वध भी आतंक का अंत नहीं सिद्ध हुआ। इस कहानी को तो आगे बढ़ना ही था। उसने संसार से विष्णु का नाम मिटा देने का प्रण कर लिया। विश्राम करते विष्णु स्वयं को जीवन और मृत्यु का स्वामी समझने वाले विष्णु, सावधान सावधान हो जाओ। तुम्हें मेरे भ्राता श्री हिरण्याक्ष के रक्त की एक एक बूंद का मूल्य चुकाना होगा। तुमने जो घाव उनके शरीर पर लगाए थे, उसने उनके शरीर को ही नहीं, मेरी आत्मा को भी छलनी छलनी कर दिया है। जब तक मैं तुमसे प्रतिशोध नहीं लूंगा, मैं चैन की श्वास नहीं लूंगा। अब मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, प्रतिशोध, प्रतिशोध, केवल प्रतिशोध। यदि तुम में साहस है तो मेरी चुनौती स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। तुम पुत्र किससे प्रतिशोध लेने की बात कर रहे हो हिरण्यकश्यपु? उसी से, उसी विष्णु से जिसने मेरे भ्राता को निर्दयता से मार डाला। माते, तुम्हारा तो केवल भाई था वो, मुझसे पूछो जिसके नैनों की ज्योति था वो, जिसकी कोख से जन्मा था वो, जिसका पुत्र था वो। क्या तुम्हारा दुख मेरे दुख से भी महान है? नहीं पुत्र, मेरे दुख का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। परंतु उसने एक ऐसा पाप किया था जो क्षमा योग्य नहीं था। क्या अपराध किया था मेरे भ्राता ने? उसने धरती का अपहरण किया था, एक नारी का अपहरण, और एक नारी का अपहरण अक्षम्य अपराध है पुत्र। अपहरण कोई अपराध नहीं माते, अपहरण तो
हमारी असुर संस्कृति का एक अंश है। जिस संस्कृति का आधार अपहरण हो, जिस संस्कृति का अंश अपहरण हो, वो संस्कृति कभी पनप नहीं सकती पुत्र, उसका विनाश निश्चित है। अपहरण समाज का सबसे बड़ा अपराध है, पाप है। माते, शक्ति है हमारे पास, साहस है हमारे पास। जो वस्तु हमें सुहाती है हम उसे छीन लेते हैं। जिनकी भुजाओं में शक्ति है उनका उत्तरदायित्व भी उतना ही होता है पुत्र। वे नारी की रक्षा करते हैं, उसका अपहरण नहीं। नहीं माते, हमारी शक्ति पर कोई भी उत्तरदायित्व अंकुश नहीं लगा सकता। जो भी हमारी महानता के समक्ष सिर नहीं झुकाएगा हम उसे कुचल देंगे। जो भी हमारी आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसका भी वही परिणाम होगा जो धरती का हुआ। तो फिर ये भी जान लो पुत्र कि जो ऐसा अत्याचार करेगा उसका परिणाम भी वही होगा जो पुत्र हिरण्याक्ष का हुआ था। तुम विष्णु की शक्ति को नहीं जानते पुत्र। और विष्णु मेरी शक्ति को नहीं जानता माते। परंतु जिस दिन मैं उसे उसकी शेष शैया से नीचे घसीट लूंगा, उसके सिंहासन को डामाडोल कर दूंगा, उस अभिमानी से उसकी सारी शक्ति और देवताओं से उनका प्रताप छीन लूंगा, उस दिन वो मेरी शक्ति जान लेगा, भली भांति जान लेगा। ऐसा मत कहो पुत्र, ऐसा मत कहो। माते, तुम्हारी सौगंध। मैं इस सृष्टि से विष्णु का नाम मिटा दूंगा। मैं उसके किसी भी नाम लेवा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। सेनापति विडाल। आज्ञा सुरराज। हमारी सेना को आदेश दो कि चारों ओर फैल जाए, जिस जीव पर विष्णु का नाम हो उसे काट दे। जो कान विष्णु का नाम सुनते मिले उनसे सुनने की शक्ति छीन ली जाए। जो आज्ञा सुरराज। जाओ और सृष्टि में यह संदेश सुना दो कि विष्णु की प्रभुता का युग समाप्त हो गया, अब एक नए युग हिरण्यकश्यप युग का आरंभ हो रहा है। जो भी अब तक विष्णु का स्मरण करते थे अब मेरा स्मरण करेंगे। जिस मन में विष्णु का ध्यान होगा अब उस मन में हिरण्यकश्यपु का भय वास करेगा। हाँ, आपके आदेश का पालन होगा असुरराज। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो पुत्र? अपना आदेश लौटा लो, रुक जाओ। ये अनर्थ ना करो पुत्र। ये अनर्थ नहीं, सर्वथा उचित है देवी। विष्णु के षड्यंत्र का उत्तर है। षड्यंत्र? कि आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आप भूल गई देवी कि विष्णु ने दानव संस्कृति का विनाश करना चाहा था और अब वो असुरों को मिटाना चाहता है। इसीलिए उसने सबसे पहले आपके ज्येष्ठ पुत्र हिरण्याक्ष का वध कर डाला। तो आपने उसे जीवित कर दिया होता, आपके पास तो संजीवनी मंत्र था। मैं जीवित कर देता, मैं अवश्य जीवित कर देता आपके पुत्र को, परंतु उसे विष्णु ने स्वयं मारा था। और जिसे विष्णु स्वयं मार डाले उसे पुनर्जीवित करना असंभव है। मुझे खेद है देवी,
कि मैं आपके पुत्र हिरण्याक्ष को पुनः जीवित करने में असमर्थ रहा। हे शिष्य, तुमने जो भी किया उचित किया, पर इससे केवल विष्णु को स्मरण करने वालों का ही सर्वनाश होगा, विष्णु का कुछ नहीं बिगड़ेगा। गुरुदेव, यह तो मेरे अभियान का पहला चरण है, इसके उपरांत तो मैं सीधा विष्णु पर प्रहार करूंगा। बहुत चतुर है विष्णु, बहुत शक्तिशाली भी, उससे टक्कर लेने के लिए तुम्हें अपार शक्ति की आवश्यकता होगी। वो ज्वाला है, तुम्हें ज्वालामुखी बनना होगा। वो वायु है, तुम्हें आंधी का रूप लेना होगा। वो चंद्रमा की भांति शीतल है, तुम्हें सूर्य की भांति दहकना सीखना होगा। वो नदी की भांति शांत है, तुम्हें ज्वार की भांति उमड़ना होगा। हे गुरुदेव, ये कैसी शिक्षा दे रहे हैं आप? गुरु तो अपने शिष्य को कल्याण का मार्ग दर्शाता है, आप तो मेरे पुत्र को विनाश का मार्ग दिखा रहे हैं। शांत रहो माते, शांत। ये तो गुरुदेव के महान कथन हैं। इसका एक एक अक्षर के समक्ष मैं अपना सिर झुकाता हूं। गुरुदेव, मुझे प्रकाश दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए, मुझे आदेश दीजिए। तुम्हें ऐसी शक्ति प्राप्त करनी होगी शिष्य, जिसे कोई परास्त ना कर सके। स्वयं विष्णु भी नहीं, मैंने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी, परंतु विष्णु ने छल से उसकी महत्ता घटा दी। उसने देवताओं को अमृत पिलाकर अमर बना दिया। अब मेरी शक्ति से भी महान शक्ति तुम्हें प्राप्त करनी होगी। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? तुम्हें तप करना होगा शिष्य, घोर तप, अपूर तप, अपार तप, ऐसा तप जिसका संसार में उदाहरण ना मिले। विष्णु का तप नहीं, क्योंकि वो देवताओं का पक्षपाती है, वो तुम्हें कुछ नहीं देगा। शिव का भी नहीं, क्योंकि वो मैं पहले कर चुका हूं। तुम्हें ब्रह्मा की तपस्या करनी होगी, वही केवल तुम्हारी तपस्या के भुलावे में आ सकते हैं। और फिर तुम उनसे वो वरदान मांगना जो मैं तुम्हें बताऊंगा। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव, मैं आज ही तपस्या के उद्देश्य से असुर लोक छोड़ दूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। प्रणाम माते। महारानी कयादु, कहां हैं आप? महारानी कयादु, महारानी कयादु, महारानी कयादु, मैं जो मांगती मुझे मिल जाता। मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी स्वामी, मुझे आपको एक शुभ समाचार देना था। समाचार तो मुझे भी देना था, पर मुझे भय है
यह समाचार आपके लिए शुभ नहीं होगा महारानी। क्या समाचार लाए हैं आप? शिष्टाचार की मांग है कि शुभ समाचार पहले सुन लिया जाए। पहले आप कहिए, क्या समाचार है आपके पास? आप पिता बनने वाले हैं। स्वामी, आप प्रसन्न नहीं हुए? कौन व्यक्ति पिता बनने का समाचार सुनकर प्रसन्न नहीं होगा महारानी? पर अशुभ समाचार यह है कि मैं अपने पुत्र के जन्म तक यहां रुक नहीं सकता। क्या? क्या आप कहीं जा रहे हैं? हां प्रिय, मैं जा रहा हूं विष्णु से प्रतिशोध लेने की शक्ति को प्राप्त करने। तपस्या पर जाने से पहले मैं तुमसे विदा लेने आया था। मुझे तनिक भी ज्ञान नहीं कि तप सफल होने में मुझे कितना समय लग जाए। स्वामी, आप मुझे इस अवस्था में छोड़कर चले जाएंगे? विवशता है प्रिय, विवशता। मैंने प्रण ले लिया है। और मेरी रक्षा कौन करेगा? आप मुझे किसके आश्रय छोड़े जा रहे हैं? जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं क्या करूंगी? आपकी रक्षा में कोई कमी नहीं रहेगी महारानी। सेनापति बिडाल। आज्ञा सुराज। मैं गुरुदेव के आदेशानुसार तप करने के उद्देश्य से असुर लोक छोड़कर जा रहा हूं। महारानी कायोदी की रक्षा का उत्तरदायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं, क्योंकि असुर लोक में मेरे उपरांत सबसे बलवान और शक्तिशाली तुम हो विडाल। मेरे लौट कर आने तक तुम इनकी रक्षा करोगे। किंतु ये जान लो विडाल कि यदि तुमने कोई चूक की तो मेरे दंड से बच नहीं पाओगे। यदि मैं महारानी क्यादु की रक्षा में असफल रहा सुराज, तो आप मुझे दंड देने के लिए जीवित ही नहीं पाएंगे जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस और रक्त की एक भी बूंद शेष है। मैं महारानी क्यादु की रक्षा का वचन देता हूं। विडाल, मुझे तुमसे यही आशा। हमारे दूसरे आदेश का क्या हुआ? सैनिक चारों ओर फैला दिए गए हैं। विष्णु के विरुद्ध अभियान आरंभ हो चुका है। आपकी जय हो असुरराज। अब मुझे निश्चिंत होकर विदा करो प्रिय। जब मैं लौट कर आऊंगा तो मेरे पास इतनी शक्ति होगी कि कोई मेरे परिवार की ओर आंख उठाकर देखने का साहस भी नहीं करेगा। मुझे विदा करो। कहाँ जा रहे हो? मंदिर में। क्यों जा रहे हो मंदिर में?
अपने विष्णु भगवान की पूजा करने, जो मैं नित्यदिन करता हूँ। कल भी की थी, आज भी करूँगा। कल की थी, आज नहीं करोगे? कल तुम्हारे लिए विष्णु की पूजा का अंतिम दिन था। क्यों, ये कैसी अनोखी बात कर रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ। असुरराज हिरण्यकश्यपु का आदेश है कि कोई विष्णु भगवान का नाम नहीं लेगा, कोई उसकी पूजा नहीं करेगा, कोई उसका स्मरण भी नहीं करेगा। मैं तो लूंगा उनका नाम, वही मेरे ईश्वर हैं। ठहरो, तुम अंदर नहीं जा सकते। हे सेनापति, देखिए आपका सैनिक कैसी विचित्र बात कह रहा है। ये कह रहा है कि मैं अपने विष्णु के मंदिर में प्रवेश ना करूं। आप इसे समझाइए कि विष्णु का नाम तो मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। अच्छा, तो तुम्हारे रोम रोम में बसा हुआ है विष्णु का नाम। अब मैं निकालता हूं तुम्हारे रोम रोम से विष्णु का नाम। विष्णु, हे सर्वेश्वर। क्या बात है प्रिय, कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? एक वृद्ध असहाय मनुष्य पर इतना अत्याचार। कमल नयन, हिरण्यकशिपु आप पर क्रोधित है, पर क्रोध उतार रहा है निर्दोष मानव पर। आपकी क्रोधाग्नि कब भड़केगी? आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? समय की महादेवी, समय की। किस समय की? उस समय की जब हिरण्यकशिपु की गागर भर जाए। समय, गागर? मैं आपकी बातें समझने में असमर्थ हूं जगदीश्वर। महादेवी, अभी तो हिरण्यकशिपु के पाप की गागर में दुष्कर्म की पहली बूंद गिरी है, इसके भर जाने की प्रतीक्षा तो करनी होगी ना। उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। पर वो ये जानते हुए कि हिरण्यक्ष अपराधी था, आपसे शत्रुता पर कमर कस रहा है। हाँ महादेवी, हर एक को मरने के लिए कोई ना कोई बहाना तो ढूंढना ही पड़ता है। हिरण्यकशिपु ने मेरी शत्रुता को वो बहाना बना लिया है। हे देवगण, हिरण्यकशिपु ने श्री विष्णु के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया है, हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। परंतु देवेंद्र, हिरण्यकशिपु भला हमारे भगवान विष्णु का क्या बिगाड़ सकता है? राई कभी पर्वत के सामने टिक नहीं सकती देवराज। पर यदि हमारे होते, श्री विष्णु को हिरण्यकशिपु को दंड देने का कष्ट स्वयं उठाना पड़े, तो हमारे लिए इससे बड़ी लज्जा की बात और क्या हो सकती है। सागर मंथन के समय उन्होंने हमारी जो सहायता की, वो हमारे लिए एक ऋण के समान है। ये तो सत्य है देवराज, यदि उन्होंने सहायता न की होती तो अमृत की प्राप्ति असंभव हो जाती। पर देवराज, अब हम करेंगे क्या? हम हिरण्यकशिपु की तपस्या भंग कर देंगे। तपस्या भंग? सोच लीजिए देवराज, हमने पहले भी एक बार दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तपस्या भंग करनी चाहिए थी, परंतु उल्टे हमें ही हानि पहुंची थी। उनकी बात और थी, और हिरण्यकशिपु तो असुर है। इस बार हम कोई भूल नहीं करेंगे, और श्री विष्णु का ऋण चुकाने का यही अवसर है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओ प्रजापते नमः, ओ ब्रह्मदेवाय
मन में विष हो द्वेष का, होठों पर हरि नाम, ऐसे तप का देखिए क्या होगा परिणाम। हर युग में इतिहास की रही सदा यह रीत, सत्य असत्य के युद्ध में हुई सत्य की जीत, हुई सत्य की जीत। जो सुने चल सो जान